भाई मजा आया। ओके तो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। भाई आज का वीडियो यार बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हैंड कैम के साथ बताऊंगा M1014 में आपको वन टैप हेडशॉट कैसे मारना है, मतलब हेडशॉट कैसे मारना है। और देखो यार, चाहे आपके पास 2 GB का डिवाइस हो या फिर 12 GB का डिवाइस हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप लोग बहुत ही आसानी से M1014 से वन टैप मार सकते हो। और देखो यार, वीडियो में आगे जाने से पहले बताना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग 100 के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो यार आप लोगों का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो भाई यार कर लेंगे यार, टेंशन नहीं है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। यार फिलहाल के लिए चलो वीडियो में आगे बढ़ते, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखो यार, सबसे पहले आपको सेंसिविटी में एक छोटा सा चेंजेस करना है, कि अगर आपका सेंसिविटी लो है तो आपको सेंसिविटी को हाई रखना है, मतलब जनरल सेंसिविटी को आपको पूरा 100 रखना है। चाहे आपके पास 2 GB का डिवाइस हो या फिर 12 GB का डिवाइस हो, आपको जनरल सेंसिविटी को 100 रख देना है। और आपको कस्टम मोड में एक छोटा सा चेंजेस करना है, कि अगर आप लोग 2 फिंगर प्लेयर हो तो आप लोग गन स्विच वाले बटन को बिल्कुल इस वाले पोजिशन पर रख लेना, और अगर आप लोग 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर प्लेयर हो तो आप लोग गन स्विच वाले बटन को इस वाले पोजीशन पे रख देना। तो यहाँ पे आपको बहुत ही हेल्प होगा वन टैप मारने में M1014 से। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो यार, M1014 से वन टैप मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आपको कुछ चीजें अच्छे से समझने की कोशिश करना पड़ेगा। सबसे पहला तो है कि रेंज। देखो यार, अगर एनिमी थोड़ा सा रेंज में चला जाता है तो वहां पे आपका वन टैप नहीं लगेगा, मतलब यार आपका एम रिकॉइल कर जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात है भाई रिकॉइल, M1014 में रिकॉइल बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब यार जब भी आप लोग गन को M1014 को हाथ में लोगे तो वहां पे आपका जो एम है, आपका एम वहां पे बड़ा हो जाता है। इसका मतलब होता है कि वो गन बहुत ही ज्यादा रिकॉइल मारता है, क्योंकि यार पहले से ही आपका एम वहां पे बड़ा हो जाता है जब आप लोग गन को हाथ में लेते हो, ठीक है ना। तो ये दो बात आप लोग याद रखें, कि एनिमी अगर बहुत ही लॉन्ग रेंज में रहेगा, थोड़ा सा भाई थोड़ा सा भी रेंज में रहेगा, तो वहां पे आपका M1014 से हेडशॉट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं कि M1014 से हेडशॉट कैसे मारे। तो देखो यार, M1014 से दो तरह से हेडशॉट लगता है, या तो आप लोग एम को व्हाइट करके हेडशॉट मार सकते हो, या फिर आप लोग एम को रेड करके हेडशॉट मार सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप लोग एम को रेड करके कैसे हेडशॉट मार सकते हो। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपको गन स्विच करना है, फिर आपको जंप करना है, फिर आपको एम को एनिमी के बॉडी में रेड करना है, ठीक है ना, लॉक करना है, और उसके बाद आपको रोटेशन ड्रैग यूज करना है। हाँ भाई, अगर आप लोग रोटेशन ड्रैग नहीं यूज करोगे तो आपका एम एनिमी के हेड तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आप लोग M1014 से हेडशॉट मारना चाहते हो तो आपको रोटेशन ड्रैग का यूज करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा देता हूं, तो आप लोग ये वाले वीडियो क्लिप में देख सकते हो कि यहां पे जैसे मुझे एनिमी दिखा तो सबसे पहले मैंने यहां पे गन स्विच किया, उसके बाद यहां पे मैंने जंप किया, और फिर मैंने यहां पे एम को रेड करके, जैसे ही मेरा एम यहां पे रेड हुआ तो मैंने यहां पे लेफ्ट साइड रोटेशन ड्रैग का यूज किया। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि मेरा हेडशॉट यहां पे बहुत ही आराम से लग गया। अब देखो यार, इसका मैंने हैंड कैम नहीं बनाया क्योंकि यार थोड़ा भूल गया था, तो माफ कर देना, तो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाता हूं। तो भी बात करते हैं कि आप लोग एम को व्हाइट करके एनिमी को कैसे वन टैप हेडशॉट मार सकते हो M1014 से। तो आप लोग ये वाले वीडियो क्लिप में देख सकते हो हैंड कैम के साथ। तो यहां पे मुझे जैसे ही एनिमी दिख गया तो मैंने यहां पे स्प्रिंटिंग बटन को प्रेस करके थोड़ा सा मूवमेंट किया, उसके बाद मैंने यहां पे गन स्विच किया, और देखो यहां पे जैसे ही मैंने गन स्विच किया उसके साथ साथ मैंने यहां पे जंप किया। अब देखो यहां पे जैसे ही जंप कर रहा हूं तो मैं अपने एम को सेट कर रहा हूं, मतलब एम को आपको व्हाइट रखना है और एनिमी के पैरों के नीचे रखना है। तो उसके बाद मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे राइट साइड रोटेशन ड्रैग का यूज किया। आप लोग देख सकते हो यहां पे जैसे ही मैंने फायर बटन को राइट साइड से घुमा के थोड़ा सा ऊपर की ओर ड्रैग किया तो मेरा यहां पे हेडशॉट लग गया। तो मैं आपको फिर से एक बार वीडियो क्लिप को दिखा देता हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया, सबसे पहले गन स्विच किया, उसके बाद मैंने जंप किया। अब जैसे ही जंप किया तो मैं अपने एम को एनिमी के पैरों के नीचे लाया, और जैसे ही मेरा एम सेट हुआ उसके बाद मैंने यहां पे रोटेशन ड्रैग का यूज किया, तो मेरा यहां पे हेडशॉट बहुत ही आराम से लग गया। तो गाइस यार, बस यही दो तरीके से आप लोग M1014 से हेडशॉट मार सकते हो। और इसके ऊपर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो आप लोग कमेंट करके बोलना, तो मैं एक और वीडियो ला दूंगा इसके ऊपर हैंड कैम के साथ, ठीक है ना। तो यार आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय खत्म।